अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हाँ जी, आज बनने लगी है बीफ कढ़ाई बनने लगी है आज। और इसमें मैंने गोश्त ऐड किया है और 3 गिलास पानी डाला है। और अब इसमें मैं सारा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, ये मैं गरम मसाला ऐड करूँगी इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। अब भी सिर्फ इसमें नमक ऐड करेंगे इसको सिर्फ टेंडर करने के लिए। टेंडर करना है इसको वेट लगा के, और बाकी प्रोसेस मैं बाद में बताती हूँ आपको क्या करना है। ओके, हाँ जी। तो व्यूज़ ये देखें, मैंने इसको 15 मिनट्स वेट लगाया था और माशाल्लाह से बीफ बहुत प्यारा टेंडर हो चुका है। इस स्टेटस को मैंने खोला है, इसको चेक किया है, बीफ बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। हाँ जी, तो व्यूज़ अब ये मैंने प्याज काटे हैं। प्याज 7 से 8 अदर ये प्याज हैं, दरमियाने साइज़ की हैं ये। अगर ज़्यादा बड़ी हो तो 4 से 5 बहुत हैं, लेकिन मेरे पास छोटी प्याज थी, दरमियाने साइज़ की थी। मैंने 7 से 8 या 8-9 लगा लें, छोटी छोटी प्याज थी इसलिए। ये इस स्टेज पर अब मैंने प्याज ऐड की है इसमें अलहदा से। ये एक अलहदा पतीली में लिया है, अलहदा पतीली ली है जिसमें मैंने प्याज ऐड किया है। इस स्टेज पर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर लें। ओके, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना इसका, तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जिसको हमने वेट लगा के गला लिया। अगर चिकन होता तो फिर उसका वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही माशाल्लाह से गल जाती है ना, भाप में गल जाती है। लेकिन ये बीफ था, इसको हमने सिर्फ 15 मिनट वेट लगाया है। ओनली 15 मिनट्स। तो माशाल्लाह से पहले टेंडर हो चुका है, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद ये गोश्त ऐड करने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना ये प्याज का, गोश्त ऐड करने के बाद ये देखें टमाटर हैं, ये 4 से 5 अदरक टमाटर हैं और 7-8 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक है, ये इसमें ऐड करेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाद में। ये देखें व्यूज़, अब ये जब प्याज हैं ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए जब कलर चेंज होगा इसमें गोश्त ऐड करेंगे, बीफ जो है जिसको हमने थोड़ा सा टेंडर किया है वेट लगा के। इनका कलर चेंज होता है प्याज़ों का, फिर ऐड करते हैं। ये देखें व्यूज़, अब ये प्याज का कच्चापन दूर हो रहा है ना, कच्चापन दूर हो जाए तो साथ ही इसमें मैं बीफ ऐड करने लगी हूँ। अब ये देखें व्यूज़, अब इस स्टेज पर गोश्त की बुनाई हो रही है। नमक मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि जब मैंने इसको टेंडर किया था ना उसने प्रेशर कुकर में लगा के, तो मैंने नमक ऐड कर दिया था। अब नमक मैं इसको टेस्ट करूँगी फिर इसमें ऐड करूँगी, जायके के मुताबिक अगर नमक डालिएगा। ओके, ये अब हमारा जो गोश्त है ना वो फ्राई हो रहा है, इसकी बुनाई हो रही है, फ्राई हो रहा है ये। हाँ जी, तो व्यूज़ आप चेक करें कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है बीफ का, बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इस स्टेज पे टमाटर, ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक को ऐड करने लगे हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक जा रही है इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद 10 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद इसमें काली मिर्चें डालेंगे। 5 मिनट इसको धीमी आंच पर पकाएंगे, दम पे कर देंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और माशाल्लाह से हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी होगी। आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करते हैं कढ़ाई को। ये देखें व्यूज़, माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसकी बुनाई हमने की है। मुझे थोड़ा सा ना कच्चा गोश्त लग रहा था, यानी कि थोड़ा सा सख्त लग रहा था। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो ना, तो जो यखनी थी ना जिसको हमने जिस गलाया था पानी डालकर, उसकी यखनी जो बनी थी, आप उसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसको गलाने, इसको यानी कि दम पे रखने के वक्त ना आप इसमें यखनी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं और इतना प्यारा वो फिर पक जाएगा। ये देखें व्यूज़, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। सॉरी, मुझे आपको बताना नहीं याद रहा, मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। काली मिर्च इसमें कोई मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड की, कोई हल्दी का कुछ नहीं। ये ओनली नमक और काली मिर्च की कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है ये काली मिर्च वाली। ओके जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी उसकी लुक आई है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं,
पठानी रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी इंजॉय करें, चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।